हे गाइस, आई एम सेप्रेटिक्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो? सॉरी, आई होप हम सब बढ़िया हो। गाइस, आज की वीडियो में कुछ करने वाले स्टार एडिटिंग। मैंने कुछ एक फोटो पर क्लिक किया था, कुछ इस तरह दिख रहा था, लेकिन मैंने कुछ लाइट रूम में कलर ग्रेडिंग की, तो कुछ इस तरह के दिखने लगा। तो गाइस, इस तरह का फोटो आप आराम से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इसका मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और मेरे चैनल पर अगर नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको करना क्या होगा, ये इस तरह का फोटो आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि इस तरह का फोटो किस तरह से क्लिक करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर एक ट्यूटोरियल डालने की कोशिश करूँगा। तो गाइज, इसे मैं सिंपली लाइट रूम एप्लीकेशन में इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें जो स्टॉप पार्ट है, उसे यहाँ से क्रॉप में जाने के बाद यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। ओके गाइज, मैं सिंपली कर लेता हूँ। आपको जितना पार्ट चाहिए उतना से रखते हुए इस फोटो को इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। ओके गाइस, जैसी हो चुकी है, आप सिंपली यहाँ से चलना है लाइट्स में। लाइट्स का एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना है गाइस, यहाँ पर इस तरीके से एक्सपोजर कम करना है। कंट्रास्ट को बढ़ा देना है। कंट्रास्ट बढ़ाने के बाद हाईलाइट है, हाईलाइट को कम कर देना है। और यहाँ से शेडो है, शेडो को भी कम कर देना है। ओके गाइस, यहाँ से चलना है नेक्स्ट वाले टूल पर, और यहाँ से चलना है मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर चूज़ करते हुए सेचुरेशन इसका कम कर देना है और ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। और यहाँ से चलना है रेड वाले टोन पर, इसका सेचुरेशन कम करना है और ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। फिर गाइस, सिंपली चलना है ग्रीन वाले पर, ग्रीन का सेचुरेशन इस तरीके से बढ़ाना है और यहाँ से इसका यू चेंज कर देना है। गाइस, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसको प्लस के साइड करना है और इसका ल्यूमिनस को भी कम कर देना है। ओके गाइस, ये चीज़ हो चुकी है। आप सिंपली चलना है ब्लू वाले आइकन में, इसका भी सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना और यहाँ सिंपली डन कर देना। और गाइस, यहाँ से टेम्परेचर को माइनस का साइड रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं, कम कम से कम रखना है माइनस का साइड। ओके गाइस, लगभग 10-12 के आसपास रखना है। और टेंट को अपने हिसाब से आगे पीछे करके देख लेना है, यानी कि मैं इसे प्लस कर लेता हूँ। और यहाँ से वाइब्रेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है और सेचुरेशन को काफ़ी कम कर देना है, लगभग मैंने जो साइड करना है। ओके गाइस, जैसे हो चुकी है, सिंपली चलना है नेक्स्ट वाले टूल पर और यहाँ से फोटो में थोड़ा सा क्लियरिटी दे देना है, कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, और यहाँ से इसका व्यू नेट को कम कर देना है। ये चीज़ हो चुकी है, यहाँ से सिंपली डिहेज को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ज़्यादा मत करना। ओके गाइस, अगर आप देख सकते हैं करना है। और यहाँ से सिंपली चलना है नेक्स्ट वाले टूल पर और फोटो में शार्पनिंग देते हुए यहाँ से नॉइस रिडक्शन और यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन कर देना है। ओके गाइस, अब सिंपली चलना है इस वाले टूल में और यहाँ से चलना है स्प्लिट में और यहाँ से एक ग्रीन कलर का हाईलाइट ले लेना है और शेडो भी हल्का ग्रीन ले लेना है और इसका बैलेंस अपने हिसाब से रखना है। ओके गाइस, ये कुछ सही लग रहा है। यहाँ से करने के बाद सिंपली इसको डन कर देना होगा। ये चीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि पहले जो फोटो था कुछ इस तरीके का दिख रहा था, अब कुछ इस तरीके का दिख रहा था। गाइज, इसको सेव करने के लिए शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से डन कर देना होगा। गाइज, आप सिंपली इस फोटो को लेकर जाना है पिक्सआर्ट में और मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो पिक्सआर्ट में ये फोटो ओपन हो चुकी है। आपने देखा होगा जो मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर एक टेक्स्ट पीएनजी लगा हुआ था आइस का, उसे लगाने के लिए सिंपली चलना है ऐड फोटो में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये पीएनजी ओपन हो चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इसको अपने हिसाब से छोटा छोटा करके इस आँख पर इस तरीके से बैठा देना है। ओके गाइस, ये बैठाने के बाद यहाँ से चलना है इरेजर में और यहाँ पर इस तरीके से कुछ हल्का हल्का इरेज कर देना है ताकि ये प्रॉपर मैच हो जाए। ओके गाइस, ये करने के बाद यहाँ से इसका ओपेसिटी को कम कर देना है, लगभग 40 के आसपास कर देना होगा। ये चीज़ हो चुकी है ताकि रियलिस्टिक लुक लगे, और सिंपली यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से चलना है इफेक्ट वाले टूल्स में। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से सिंपली आपको एक इफेक्ट लेना है, यहाँ से जाना है इफेक्ट में, नहीं फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से कुछ ये वाला इफेक्ट लेना है, VIN4 वाला। सिंपली चलना है यहाँ से इरेजर में, ऑल इरेज करते हुए कुछ इस तरीके से हल्का हल्का अपनी पत्तियों पर इस तरीके से करना है। ओके गाइस, ये चीज़ हो चुकी है और इस तरीके से हल्का हल्का कर देना है। ओके गाइस,
उसके बाद सिंपली यहाँ से डन कर देना है और ऑल डन। और उसके लिए सिंपली आपको चलना होगा टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद यहाँ चलना है एडजस्ट में और यहाँ से इसका ब्राइटनेस को सिंपली इस तरीके से कम कर देना है और यहाँ से चलना इरेजर में और ऑल इरेज करते हुए इसका हार्डनेस हल्का सा कम करना है और साइज अपने हिसाब से लेते हुए इसको सिंपली इस तरीके से यहाँ पर पेंट करना है। ओके गाइस, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेंट करना है ताकि ये वो काजल टाइप का लगता है। ओके गाइस, ये चीज़ हो चुकी है। यहाँ से करने के बाद कुछ इस तरीके से निकाल देना है ताकि कुछ रियलिस्टिक लुक लगे। ओके गाइस, ये चीज़ हो चुकी है, कुछ यहाँ पर छूट गया है, इसे भी कर लेता हूँ। सिंपली इसको डन कर देना है और इसका अपने हिसाब से साइज रखना होगा गाइस, ये इतना रखना है ताकि लिस्ट लुक लगे। लगभग 60 के आसपास रखना होगा। यहाँ सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद आपका फोटो कुछ इस तरह के दिखेगा। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इस फोटो को सेव करने के लिए चलना है यहाँ से ड्रॉ वाले आइकन में और यहाँ से जाने के बाद थ्री डॉट में जाना है और यहाँ से सेव इमेज कर देना है। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो गाइज, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।